नमस्कार दोस्तों, बी अलर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त केतन क्रिश्चियन। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर के बाहर नवंबर 2021 को एक स्टेच्यू लगाया गया था, जो कि एंड टाइम बीस्ट के नाम से भी फेमस था। इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी और डिटेल में इसकी जानकारी दी थी। और न्यूज अपडेट ये है, वो बीस्ट का जो स्टेच्यू यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर के बाहर लगाया गया था, उसे वहाँ से रिमूव कर दिया गया है, उसे वहाँ से हटा लिया गया है। यूनाइटेड नेशंस के स्पोक्स पर्सन स्टीफन डुजेरिक ने कहा कि ये स्टेच्यू टेम्पररी डिस्प्ले किया गया था और शेड्यूल के मुताबिक उसे वहाँ से निकाल दिया गया है। लेकिन हकीकत ये है कि कई लोगों की कंप्लेंट्स के बाद उसे वहाँ से रिमूव कर दिया गया है। दुनिया भर के क्रिश्चियंस ने उसे बिब्लिकल एंगल से जोड़ा था और इसकी बहुत निंदा की थी। इन सब के विरोध के चलते ये स्टेच्यू यहाँ से हटा लिया गया है। इन सब के विरोध के सामने शैतान के पुजारियों को झुकना पड़ा है। अगर हम साथ मिलकर इन शैतान के पुजारियों का मुकाबला करें, उनके खिलाफ खड़े हो जाए, तो इसी तरह से इनके शैतानी मंसूबे, इनके शैतानी प्लान्स फेल हो सकते हैं। मैंने मेरी पिछली वीडियो में बताया था कि ये स्टेच्यू यहाँ पर क्यों लगाया गया है। फिर भी जो लोग नए हैं, उसके लिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। पिछले दिनों यूनाइटेड नेशंस के ट्विटर अकाउंट पर यूनाइटेड नेशंस द्वारा एक ट्वीट कर दी गई थी, जिसमें ये स्टेच्यू का फोटो लगाया गया था और लिखा था, अ गार्डियन फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटीज ऑन द विजिटर्स प्लाजा आउटसाइड यूएन हेडक्वार्टर्स, यानी अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की राह दिखाने वाला यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर के बाहर लगा दिया गया है। ऐसे हेवन जैसे दिखने वाले जानवर को शांति और सुरक्षा का प्रतीक बनाकर हमारे सामने रखा गया था। अगर बाइबल के दृष्टिकोण से देखें, तो रेवेलेशन 13:2 में इसका जिक्र किया गया है। उसमें लिखा है, मैंने जो पशु देखा था वो चीते जैसा था, उसके पैर भालू के पैर जैसे थे और उसका मुख सिंह के मुख जैसा था। दूसरा रेफरेंस है दानियल 7:4, इसमें लिखा है, उनमें से पहला पशु सिंह के समान दिखाई दे रहा था और उस सिंह के उकाब जैसे पंख थे, उकाब यानी ईगल। अगर ये स्टेच्यू को हम गौर से देखें, तो उसका मुंह लायन की तरह है, उसके पैर रीछ जैसे है, उसका शरीर चीते जैसा है और उसके पंख ईगल जैसे है, यानी ये हूबहू बाइबल में जो बिस्ट बताया गया है उसकी तरह दिखता है। इसीलिए पूरी दुनिया के क्रिश्चियंस ने इसका विरोध किया था और इसी विरोध के चलते ये स्टेच्यू को यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। अगर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी लेनी है, तो आप मेरा वो वाला वीडियो जरूर देखिए, उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। एक बात मैं यहाँ आपको ये बताता चलूं, ये यूनाइटेड नेशंस की रचना जॉन डी रॉकफेलर ने की थी और यूनाइटेड नेशंस की रचना उसके घर में हुई थी। यूनाइटेड नेशंस का बिल्डिंग जो न्यूयॉर्क में स्थित है, वो जगह भी जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दी थी। रॉकफेलर फैमिली इल्यूमिनाटी की 13 ब्लडलाइन में से एक है, यानी ये शैतान के पुजारियों ने ये स्टेच्यू जानबूझकर यहाँ पर लगाया था, लेकिन इसके एक्सपोज हो जाने की वजह से इसे यहाँ से रिमूव कर दिया गया। अगर हम लोग मिलकर इनका मुकाबला करेंगे, तो इनको जरूर झुकना पड़ेगा। हमें इसलिए नहीं डरना है, क्योंकि इस दुनिया को बनाने वाला सच्चा खुदा हमारे साथ है। अगर हम उसी की तरफ देखेंगे, उसी से सहायता मांगेंगे, तो वो जरूर हमें बचाएगा। तो दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, तो इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे विनती है कि अभी आप इसे सब्सक्राइब करें। और मैं अब आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड।